हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जितेंद्र, स्वागत है आपका जितेंद्र मोबाइल स्टोर में। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी रील लाया हूँ जिससे आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। और सबसे मेन चीज़ कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आपको न्यू फ़ोन परचेज करना है। न्यू फ़ोन परचेज करने के टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स आती है, कौन सा फ़ोन लो, कौन सा फ़ोन नहीं लेना है, या तो फिर आपके बजट के हिसाब से प्रोसेसर पे डिपेंड है कि कौन सा फ़ोन, प्रोसेसर क्या है, बैटरी बैकअप कैसा है। तो मैं आपका सब कुछ बताऊंगा कि आपको नया फ़ोन लेना है तो कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, उसके बाद ही नया फ़ोन परचेस करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जितेंद्र मोबाइल स्टोर OMS चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे इसी तरीके से मोबाइल रिलेटेड सभी वीडियो आपको अच्छे से मिलते रहे। फ्रेंड्स, न्यू फोन परचेस करना है, सबसे पहले आप चॉइस देखिए। न्यू चॉइस जिसमें प्रोसेसर, बैटरी बैकअप, फोन का वेट और आपका बजट कैसा है, सभी चीजों का ध्यान रखना है। जितनी आपकी चॉइस होगी उतना ही फोन का बेनिफिट आपको मिलते रहेगा दोस्तों। दोस्तों, नया फोन लेना है, सबसे पहली बात खास याद रखिएगा, स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एंड्रॉयड या तो फिर iOS हो सकता है। iOS होगा तो दोस्तों आईफोन एप्पल में ही आएगा, जो टोटली एकदम सिक्योर फोन आता है आईफोन फ्रेंड्स। और एंड्रॉयड में कम सिक्योरिटी रहती है, बट अच्छा रहता है, जिसमें कंट्रोल भी आपके एंड्रॉयड में इजीली आप यूज कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन 9, 10, 11, 12 जो अपडेटेड वर्जन है, स्नैपड्रैगन हो, एक्जिनोस हो, कोई भी कंपनी का आप प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सभी कंपनी प्रोसेसर अच्छे से ही बनाती है। वो MI हो, ओप्पो हो, सैमसंग, रियलमी, कोई भी कंपनी हो, प्रोसेसर अच्छा ही बनाती है। प्रोसेसर पे ही फोन डिपेंड होता है फ्रेंड्स। उसके आगे देखते हैं तो दोस्तों हम लोग बैटरी बैकअप, फिर आएगा आपका एप्लीकेशन वर्किंग, रैम के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर चिप साइज कितना है, नैनोमीटर में है, कैसा है, आपको सब चेक करके ही फोन लेना है। और सबसे मेन चीज कि दोस्तों एंड्रॉयड फोन सबसे बेस्ट होता है iOS से अच्छा। iOS में आपको एप्पल में महंगा भी मिलेगा और आपके बजट से बाहर भी निकलेगा। अगर आपका बजट हो तो आप आईफोन भी ले सकते हो, आप अपने बजट पे डिपेंड हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। होगा उतनी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन ज़्यादा रहेगी, आपका फोन स्मूथली वर्क करेगा। स्टोरेज की बात करिए तो 32 GB, 64 GB, 128 GB, 258 GB तक स्टोरेज होता है। आप एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, हाइब्रिड सिम कार्ड हो, फिर भी आपके स्टोरेज के ऊपर और बजट के ऊपर डिपेंड है कि आप रैम और रोम किस तरीके से परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, न्यू मॉडल, न्यू लुक, वेरी नाइस। आप मॉडल लुक देख के भी ले सकते हो, बहुत सारे नए नए मॉडल्स आए हैं अलग अलग कंपनी के। सो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा, डिस्प्ले चकाचक होना चाहिए। जैसे कोई भी फोन में LCD डिस्प्ले होता है, दूसरे कोई भी फोन में AMOLED डिस्प्ले होता है। LCD डिस्प्ले कैसा है दोस्तों, वर्क तो करता है, अच्छे से भी चलता है, टच सबसे बढ़िया चलता है। AMOLED डिस्प्ले जो है ना, ट्रू कलर दिखाता है आपको, जैसे रियलिटी दिखाता है सुपर AMOLED डिस्प्ले। ये डिस्प्ले स्पेशली सैमसंग और अभी जो लेटेस्ट मोबाइल है उसमें अवेलेबल रहता है, सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसमें आपका बैटरी बैकअप भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्क करता है बैटरी सुपर AMOLED डिस्प्ले में, और रिजोल्यूशन सबसे बढ़िया देता है दोस्तों। तो आप चॉइस करोगे तो AMOLED डिस्प्ले वाला फ़ोन ही चॉइस कीजिए, जिससे आपको ट्रू क्लियरिटी मिले और फोन अच्छे से लॉन्ग टाइम वर्किंग के लिए रहे। इसलिए AMOLED डिस्प्ले ही चॉइस करना है, ये भी एक मेन पॉइंट है मोबाइल परचेस करने के। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल का खेल नहीं है, याद रखना। कैमरा देखते टाइम पे कोई भी फोन में, बैक कैमरे में 4 कैमरे होते हैं, 3 कैमरे होते हैं, जिसमें मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड लेंस वाला कैमरा होता है, दूसरा कैमरा पोर्ट्रेट मोड के लिए होता है। आजकल सभी फोन में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन आ गया है, स्लो मोशन का ऑप्शन आ गया है। मेगापिक्सल देखने जाए तो 8, 16 कुछ बहुत सारे मेगापिक्सल वाले फोन अवेलेबल है दोस्तों। 48 मेगापिक्सल तक फोन जाता है, उसके आगे भी 48 मेगापिक्सल के आगे भी आपका मेगापिक्सल जा सकता है।
तो कैमरा मेगापिक्सल पे ही डिपेंड रहता है, तो वो भी एक चेक करके लीजिएगा। लाइव कैमरा में फोटो पिक करके देख लीजिएगा लाइव फोन, जिससे आपको पता चलेगी कैमरे की क्लियरिटी कैसे होती है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद ही कैमरा देख के ही फोन परचेस करना है, सिलेक्ट करना है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, पांचवा पॉइंट ऐसा है मोबाइल परचेस करने के टाइम पे, मेन बैटरी और चार्जिंग स्पीड, चार्जर, जिससे आपका बैटरी कितना है, 4000 mAh है, 3000 mAh है, 5000 mAh है, जो भी mAh का बैटरी हो। खास करके फ्रेंड 4000-5000 mAh का ही बैटरी लीजिए, जो अपना लॉन्ग टाइम वर्किंग कर सके। और उस बैटरी के लिए चार्जर की स्पीड किस तरीके से होती है, 4000 mAh-5000 mAh की बैटरी के लिए चार्जर एकदम फास्ट होना चाहिए, जिससे आपका, वैसे तो कंपनी ओरिजिनल चार्जर ही देती है, फास्ट स्पीड वाला चार्जर देती है, तो वही चार्जर आपको किस तरीके से स्पीड देता है ये देख के ही लीजिए, जिससे आपका फोन स्पीडली चार्ज हो जाए, फास्ट चार्जिंग होने के बाद तुरंत। सो आई होप फ्रेंड्स आपको फोन परचेस करने के पॉइंट्स पता चल गए होंगे, बैटरी बैकअप, चार्जर, सेकंड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है दोस्तों आपका रैम और रोम, फोर्थ है डिस्प्ले रिजोल्यूशन, और फाइव्थ है आपका फोन, फिफ्थ है कैमरा। ये पांचों चीजें आप अच्छे से देख के फोन परचेस करना है दोस्तों, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से। वैसे तो फ्रेंड्स सभी कंपनी फोन अच्छे से ही बनाती है, कोई भी कंपनी हो मार्केट में, सभी कंपनी फोन अच्छी ही बनाती है प्रोसेसर के साथ। बट आपको अगर पैसा खर्च करना है तो आपको अपने हिसाब से ही बजट देख के और अच्छी क्वालिटी का फोन लेना है। सो ये पांचों बातें ध्यान रखिए और फोन आसानी से परचेस कीजिए, और इस फेस्टिवल सीजन में आप अपना फोन एकदम से कम बजट में अच्छे फीचर्स में फोन मिले, इसका ध्यान रखिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जितेंद्र मोबाइल स्टोर OMS चैनल को, और लाइक और कमेंट्स कीजिए, और सबसे मेन चीज बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे मोबाइल रिलेटेड सभी वीडियोस आपको तुरंत नोटिफाइड मिले। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।